के डिस्ट्रिक्ट कुठुआ पहाड़ी तहसील लोहिमलहार के ब्लॉक बेवान की। देश को आजाद हुए पूरे 73 साल हो गए, लेकिन ब्लॉक दबान एक ऐसा ब्लॉक हुआ है कि जो आज तक आजाद नहीं हुआ। तो उसके साथ ही हम बात करेंगे पंचायत बैंजल पटोहल की। जैसे कि कुछ दिनों से ये बैक टू विलेज प्रोग्राम चल रहे हैं, तो सुना है कि बैंजल पटोहल पंचायत के पंच सरपंच और लोगों ने उनको बॉयकॉट कर दिया है। तो इसके साथ ही हम पूछना चाहेंगे बैंजल पटोहल की सरपंच श्री ललिता देवी जी से कि जो आपकी डिमांड थी वो पूरी नहीं हुई, या किस वजह से आपने उनको बॉयकॉट किया। यहाँ पे तहसीलदार साहब भी आए थे, या जो बैक टू विलेज के सीनियर ऑफिसर हैं वो भी आए थे, तो उनसे आपकी क्या बातचीत हुई, हम इसके साथ ही पूछना चाहेंगे श्रीमती ललिता देवी जी से। नमस्कार, मैं सरपंच ललिता ठाकुर बैंजल पटोहल बात करेंगे। मान टू बैंजल पटोहल का जो रोड का काम रुका हुआ है, आज फिर हम दोबारा उसी के मुद्दे पर बात करेंगे। मान टू बैंजल पटोहल ये 23 किलोमीटर रोड है, तो आज से कोई 5 महीने पहले यहाँ के लोगों ने 5 दिन प्रोटेस्ट किया सोंजा में, 5 दिन भूख हड़ताल पर वहाँ पे लोग रहे। तो लेकिन वो 5 दिन प्रोटेस्ट की वजह से सिर्फ और सिर्फ 5 महीनों में 1 किलोमीटर ही रोड बन पाया। तो इसके साथ ही हम बात करेंगे अरुण जी से कि ये क्या वजह है 5 किलोमीटर रोड 5 दिन प्रोटेस्ट करने की वजह से सिर्फ 1 किलोमीटर रोड क्यों, और दोबारा ये काम क्यों रुका है। आज जैसे कि इन्होंने बैक टू विलेज प्रोग्राम था, उनको बॉयकॉट किया, और साथ में ही जो आने वाली इलेक्शंस हैं इनके क्या विचार हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं अरुण सिंह, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो जिस टाइम उधर हमने स्ट्राइक की थी, 5 दिन बैठे थे भूख हड़ताल पर, तो उसके बावजूद हाँ कुछ उधर बड़े बड़े ऑफिसर आए थे जो उन्होंने उधर काम स्टार्ट करवाया था, और 3 महीनों में से सिर्फ 1 किलोमीटर रोड बना हुआ है। तो आगे हमें पता नहीं कि क्यों रोड रुका हुआ है। आगे चेयरमैन जी से हमने बात की थी, तो चेयरमैन जी भी यही बोलते हैं कि हाँ भाई रोड स्टार्ट हो जाएगा। आज कुछ दिन पहले मुझे चेयरमैन जी से मेरी बात हुई थी, तो वो बोले थे कि कुछ दिन आगे मक्के शक्के आ रही है और पता नहीं क्या हो रहा है, तो 4-5 दिन के बाद रोड का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो बात यह है कि हम सबसे बड़ी बात तो ये करना चाहते हैं कि जैसे कि आज हमने, और दूसरा दिन है आज, हमने बैक टू विलेज प्रोग्राम को हमने बॉयकॉट किया है, बैक टू विलेज प्रोग्राम का हमने बॉयकॉट किया है, लेकिन आने वाली जो असेंबली इलेक्शन है हम उसको भी बॉयकॉट करेंगे अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। ये हम आपके माध्यम से जो हमारे गवर्नर साहब है, हम उनको ये आपके माध्यम से सुनाना चाहते हैं कि अगर हमारी समस्या हल नहीं हुई तो हम रोड पे उतर आएंगे, हम लंबी रोड पे उतर आएंगे। जैसे कि आपने बोला, और आपने आतंकवादियों को बोला, इंग्लैंडों को बोला कि आप गन को छोड़ के हमारे पास आ जाओ, हम आपको जॉब देंगे। क्या यार हम अभी मिलिटेंट बने जॉब लेने के लिए, हम पढ़ाई नहीं करें, ये आपका क्या कहने का मतलब है। हम ये भी आपके सामने बात करेंगे, हम नंगे रोड पर उतरेंगे। जैसे कि आप नंगे लोगों की सरकार है, जैसे कि आप जो नंगी बातें कर रहे हैं, वैसे हम भी रोड पर नंगे होकर उतर जाएंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। और ये हमारा मसला हल नहीं हुआ, डिपो का मसला हल नहीं हुआ, तो हम रोड पर नंगे उतरेंगे, ये हम आपके माध्यम से बोल रहे हैं। बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन ब्लॉक दबान आज तक आजाद नहीं हुआ। आज बिलावर के बच्चे जम्मू में पढ़ रहे हैं, और जम्मू के बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हैं, लेकिन ब्लॉक दबान के बच्चे यूपी में जाकर बोरियां उठा रहे हैं। ये क्यों हमारे बच्चों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे ब्लॉक दबान की बेटियां कब पढ़ेंगी? आज अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। ये क्यों हमारे साथ इतना बड़ा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? अगर श्रीनगर के लिए COVID-19 से लड़ने के लिए 10 करोड़ रुपया दिया जाता है, तो जम्मू के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? जम्मू को 5 करोड़ क्यों दिया जा रहा है? जैसे अगर कोई कश्मीर का बच्चा गन उठा ले तो उसको बोलते हैं बेटा तू गन छोड़ दे, तुझे नौकरी दी जाए। लेकिन जम्मू के लोगों को, जैसे कि हमारे डेली बेसर्स हैं, या रही बात एसटीओ की, तो उन्होंने भी इतने इतने साल ड्यूटी की जो हमारे पीढ़ी से मेंबर्स थे, तो उनको भी आज नौकरी से घर से बेहाल किया गया है, वो भी किस तरह से तड़प रहे हैं, ये आपको इन लोगों की चीख से सब पता चल चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।